हमारे साथ मौजूद हैं डीयू के प्रोफेसर प्रोफेसर रतनलाल जी। रतनलाल जी, अभी वहाँ पे आपके डीयू के अंदर एक मूर्ति लगाई गई थी जिसके अंदर तीन लोगों का फोटो लगा हुआ था, और उस मूर्ति को पहले बताया जाता है मुंह काला कर दिया गया था। उस मूर्ति में किसका मुंह काला किया गया था? उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर और वीर सावरकर की फोटो लगी हुई थी। किसकी मुंह काला किया गया और फिर उस मूर्ति को लगाने के बाद हटा क्यों दिया, वो बताएं। वीर सावरकर, जाहिर है वो तो वीडियो वायरल हुआ था। कुछ छात्र NSVI के छात्र थे शायद, उन्होंने काली वगैरह पोती थी वहाँ पे। लेकिन हौसला अब ये नहीं है कि आप सावरकर की मूर्ति जो है अकेले लगा लें जी। तो सावरकर को बचाने के लिए साथ में भगत सिंह और इनको भी लगाया गया था जी। तो लेकिन देखिए, जिन लोगों ने लगाया सुना है कि वही उठा के ले गए। अच्छा, उखड़ भी गया वो जी। तो एक तरह का इंटेलेक्चुअल था कि उसको लगाने का और फिर उसको हटाने का, किन लोगों ने लगाया, किन लोगों ने उखाड़ा। प्रतिरोध भी हुआ, बेइज्जती भी हो रही थी जी। ये सावरकर क्या थे, नहीं थे, इतिहास सब लोग पढ़ते हैं और जानते हैं जी। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछना ज़्यादा उचित समझा कि उसके बाद वो अंग्रेज के लिए काम करते, उनसे माफ़ी मांगी थी उन्होंने जी। तो उसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं जी। तो इसलिए उनको वीर कह के और महिमा मंडित करना, ये एक तरह से मिथक गढ़ना है जी। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और वैसे काली खुली पोतने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मतलब उस तरह का जी। लेकिन किसी को जब आप महिमा मंडित करते तो उसके पीछे एक रैशनल, एक लॉजिक होना चाहिए जी। तो जो अंग्रेजों के शासनकाल में जो अंग्रेजों के लिए काम किए, उसको आप कैसे वीर बना रहे हो, महान बना रहे हो, तो एक विडम्बना थी जी। तो लोगों ने खुद ही सुना कि वही जो लोग लगाए थे वही रात में उठा कर ले गए तीन दिन के अंदर। तो ये है जी। थैंक यू सर। आप थे हमारे सर प्रोफेसर रतनलाल, जिन्होंने बताया कि जो वीर सावरकर थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, और उन्होंने बताया कि जो जिन लोगों ने मूर्ति लगवाई थी उसके पीछे एक साजिश थी कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो के साथ उनको भी महिमा मंडित किया जाए, और इस तरीके से वही लोगों ने लगाई मूर्ति और उसी को उठा के ले गए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।